नमस्कार सभी को। कक्षा 12 फिजिक्स में आज हम गॉस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस बंद पृष्ठ के बाहर एक आवेश क्यू रखा था। उस क्यू आवेश से जो समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो विद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत परपेंडिकुलर इसको क्रॉस करके जा रही थी, उनके आधार पर हमने इस बंद पृष्ठ क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक बद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना की थी और वह शून्य था। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी और एरिया वेक्टर की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका एरिया वेक्टर, चूंकि ये बंद आकृति है तो बाहर की तरफ था, तो इसका एरिया वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस एक्स दिशा में थी। दोनों की दिशाएं विपरीत थी और 180 डिग्री का एंगल था, इसलिए ई और डीएस कॉस थीटा सॉल्व करने पर फ्लक्स माइनस आया। उतना ही फ्लक्स यहां प्लस आया था और माइनस प्लस मिलके टोटल फ्लक्स शून्य हो गया था, क्योंकि शेष जो चार फेसेस थी उनका जो एरिया वेक्टर था, ये आपकी तरफ वाली फेस, मेरी तरफ वाली फेस, ये ऊपर वाली फेस और नीचे वाली फेस, सबके एरिया वेक्टर, सबके क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच 90 डिग्री का एंगल था। EDS cos 90 सारी वैल्यू जीरो हो गई थी, तो टोटल फ्लक्स जो इस बंद पृष्ठ के साथ लिंक था वो शून्य आ रहा था। यदि चार्ज को मैं इस क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ के अंदर रख दूं तो भी क्या फ्लक्स जीरो होगा? अब आप ध्यान से देखेंगे, क्यू आवेश को जब मैंने अंदर रख दिया, इस क्यूब के, इस घन के अंदर जब मैंने क्यू चार्ज को रख दिया, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं प्रत्येक फेस से बाहर निकली। अब प्रत्येक फेस से बाहर निकलेंगी तो इस फेस से आपकी तरफ होंगी, इस फेस से ऊपर की तरफ, इस फेस से बाहर, इस फेस से भी बाहर, इस फेस से भी बाहर, क्योंकि चार्ज अंदर है और सभी सिक्स फेसेस पर बाहर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालेगा। सारी फेसेस के एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, सारे फलकों के क्षेत्र सदिश भी लंबवत बाहर की ओर है, जैसे कि एरिया वेक्टर होता है किसी बंद पृष्ठ के लिए, एरिया वेक्टर सदैव बाहर की ओर होता है, क्षेत्रफल सदिश आउटवर्ड होता है, तो फिर एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही कहां बाहर की ओर इमर्ज हो रहे हैं, आउटवर्ड निकल रहे हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच का कोण यहां जीरो डिग्री हो जाएगा और प्रत्येक फेस से, प्रत्येक फलक से संबद्ध लिंक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स होगा। इस क्यूब को हम 6 ओपन सरफेसेस से मिला मान सकते हैं, 6 खुले पृष्ठ से मिला मान सकते हैं। ये जो इसके 6 फलक हैं, इसके 6 फेस हैं, ये खुले पृष्ठ हैं और 6 पृष्ठों को मिलाकर हमने बंद पृष्ठ क्यूब बना लिया। इस आकृति से जो बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो आपको कई बुक्स में ये फाई ई भी मिल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। तो ये फाई ई बराबर लिखता हूं फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस फाई फोर प्लस फाई फाइव प्लस फाई सिक्स। तो सभी फलकों का अलग अलग फ्लक्स निकालना पड़ेगा और उनको एड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस बंद पृष्ठ से जो क्यूब मैंने लिया हुआ है, इससे बद्ध, इससे लिंक विद्युत फ्लक्स आ जाए। गॉस ने इसे निकालने का बड़ा सिंपल तरीका, सरल तरीका बताया, ना केवल क्यूब के लिए। गॉस के अनुसार कोई भी आकृति, कोई भी पृष्ठ हो बंद, कोई भी, उसकी आकृति कुछ भी हो सकती है, शेप और साइज कुछ भी हो सकता है, आकृति और आकार कुछ भी हो सकता है। जैसे ये क्यूबॉइडल है, गोलाकार है, ये सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, ये स्फेरिकल है, गोलाकार है, ये इरेगुलर सरफेस है, अनियमित है, लेकिन बंद पृष्ठ। पहली शर्त, पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद, उसकी आकृति कुछ भी हो, आकार कुछ भी हो।
उसके अंदर नेट चार्ज हो, चार्ज कहीं भी रखा हो, यहां आप देखेंगे चार्ज सेंटर में रखे हुए हैं सारे, यहां चार्ज सेंटर में नहीं है, सेंटर से अलग है, फिर भी फ्लक्स सबका ऐसा है, कॉस के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज द रेशो ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस टू दैट ऑफ परमिटिविटी। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर यदि परिणामी आवेश आपको ज्ञात है, रिजल्टेंट चार्ज क्या रखा है आपको ज्ञात है, तो फिर मीडियम के हिसाब से आप उसको डिवाइड कीजिए। अगर निर्वात या वायु है, वैक्यूम और एयर है, तो नेट को आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, और इनके अलावा दूसरा मीडियम है तो नेट चार्ज को आप एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे। बस तो स्टेटमेंट जो हम बॉस लॉ का लिखते हैं तो लिखते हैं निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित परिणामी आवेश का 1/ε गुना होता है। अब चूंकि मैंने निर्वात लगा दिया पहले, तो फिर 1/ε टाइम्स क्यू का 1/ε टाइम्स यही हो जाएगा q/ε। अगर दूसरा मीडियम है तो फिर q/ε होगा। द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स टू द नेट चार्ज इनसाइड दैट सरफेस इन वैक्यूम। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर झांके कितना नेट चार्ज है, नेट चार्ज से आप समझेंगे। अगर मैंने इस क्यूब में इस क्यू की जगह दो चार्ज रखे होते 3 कूलाम और 2 कूलाम तो मेरा नेट चार्ज होता 3 × 5, तो ये 5 कूलाम का चार्ज इसके अंदर माना जाता। और अगर ये +3 कूलाम और -2 कूलाम में रखता इसके अंदर तो मेरे पास नेट चार्ज केवल प्लस का 1 कूलाम होता। तो हमें केवल नेट चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो इस आकृति के अंदर जो भी नेट चार्ज है उसमें आप एप्सिलॉन नॉट का भाग देंगे और फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, फ्लक्स को निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका गॉस ने हमें बताया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, गॉस के लॉ का प्रूफ। ये गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र पर पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया है। ये स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर एक बिंदु आवेश क्यू रख दिया गया है। इस गोले के पृष्ठ की दूरी केंद्र से कैपिटल आर है। गोलीय पृष्ठ सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि गोलीय पृष्ठ के सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है बिंदु आवेश, तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएगा, विद्युत बल रेखाएं बनाएगा, वो त्रिज्या की दिशा में होंगी, रेडियल होंगी। सेंटर से गोले के पृष्ठ को मिलाने वाली सभी त्रिज्याएं इनफाइनाइट रेडियस खींची जा सकती हैं। ऐसे ही माना जाता है कि वो पॉइंट चार्ज सभी संभव दिशाओं में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को निकालता है, और वो सारी के सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, त्रिज्या की दिशा में बाहर निकलती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहां मैंने 3 दिखाई हुई है, और तीनों डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन भी है, त्रिज्या की दिशा भी है। कोई सा भी बेस गोलीय पृष्ठ पर एक छोटा सा डीएस एरिया चुनता हूं, छोटा सा एरिया, उस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, चाहे मैं यहां चुनू चाहे यहां चुनू चाहे यहां चुनू, उसका जो एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी त्रिज्या की दिशा में होता है। सेंटर से पृष्ठ की दूरी आर ही होगी, इधर भी इधर भी इधर भी सभी जगह डिस्टेंस आर होती है, और किसी पॉइंट चार्ज से कैपिटल आर डिस्टेंस पर आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो E=1/4πε0 × Q/R² होता है।
अगर हम यहाँ स्मॉल आर मानेंगे तो यहाँ स्मॉल आर के स्क्वायर आ जाएगा। इसका अर्थ है पूरे गोलीय पृष्ठ पर ई की वैल्यू बदलने वाली नहीं है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी सेंटर ओ से, इसको मैं ओ कह देता हूं, बराबर होती है, इक्वल होती है। तो जब ई की वैल्यू नहीं बदलती, ई और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण नहीं बदलता, कोई सा भी हम स्मॉल एलिमेंट छोटा क्षेत्र अभियान यहां चुन लेंगे, ई और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्षेत्र सदिश की दिशा एक ही होगी, मतलब उनके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। तो ऐसे प्रश्न सममित माने जाते हैं, सिमेट्रिकल माने जाते हैं, जिनके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदलती नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कांस्टेंट रहता है। यहाँ 0 डिग्री है, वो 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन इस सरफेस के लिए 0 डिग्री है। द सरफेस विल बी सिमेट्रिकल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट इज इक्वल एंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट चेंज। तो गोलीय पृष्ठ कैसा होता है? सममित पृष्ठ होता है, सिमेट्रिकल सरफेस होती है। इस गोलीय पृष्ठ पर मैंने अत्यंत अल्प, बहुत ही छोटा क्षेत्र अवयव चुना ds, और यह माना कि इस ds के सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस, इस ds की दूरी इस सेंटर O से, केंद्र O से कैपिटल R है, बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस छोटे से क्षेत्र के लिए कॉन्स्टेंट है। तो इस छोटे से क्षेत्र के लिए मैं फ्लक्स की गणना करता हूं, फ्लक्स को कैलकुलेट करता हूं और उसे डी फाई मान लेता हूं। E नहीं लगा रहा हूं, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। डी फाई इक्वल टू E, मैंने मान लिया इस छोटे से ds एरिया के लिए, छोटे से क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बदलता नहीं है, कॉन्स्टेंट रहता है, इनटू इसका एरिया ds, और एरिया वेक्टर और E के बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो E ds cos 0। आगे अगर करूंगा तो d phi इक्वल टू E ds। इस छोटे से एरिया, इस छोटे से एरिया ds के लिए स्मॉल फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स d phi इक्वल टू E इंटू ds हुआ। अब मैं पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ds मैं यहां चुन सकता हूं, और हर एक ds के लिए कंडीशन यही होगी, E की वैल्यू भी सेम होगी और E और ds के बीच का एंगल भी 0 डिग्री होगा, और इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो पूरी पृष्ठ गोलीय बन जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह सेम है, अगर गोलीय पृष्ठ सिमेट्रिकल है तो डी फाई का अगर मैं समाकलन कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, E को यहां बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि E सभी जगह, गोले की जो सर्कमफेरेंस है, गोले का जो पृष्ठ है वो केंद्र से समान दूरी पर होगा, और ये केवल दूरी से बदलेगी, Q भी नहीं बदल रहा है, R भी नहीं बदल रहा है, 4πε0 कांस्टेंट है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बदलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गोलीय पृष्ठ के लिए समान रहेगी सभी बिंदुओं पर, तो फिर E को मैं बाहर निकाल लेता हूं और केवल ds का समाकलन करता हूं। ये ds, सारे ds अगर जोड़ देंगे तो पूरे गोले का पृष्ठ बन जाएगा, और गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल आप समझते हैं ये d phi phi हो जाएगा। अगर आप यहां E लगाएंगे तो यहां नीचे भी E आ जाएगी। E मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इंटू सारे ds मिलाकर हो जाएंगे 4πε कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहां रेडियस कैपिटल R माना है। स्मॉल मानते तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता, एक्स मानते तो एक्स स्क्वायर हो जाता, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं करना है। तो फाइव इक्वल टू हमारा आया E इंटू 4πr2, इसको मैं इक्वेशन बन दे देता हूं। किसी भी पॉइंट पर गोलीय पृष्ठ पर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है क्यू, कैपिटल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E इक्वल टू 1/4πε0qr2, तो E का मान रखने पर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब हम मान रखेंगे, तब हमें पता है कि R दूरी पर पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। बिंदु आवेश से कैपिटल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ई की वैल्यू अगर हम रखें तो फाइ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे कि फाइ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई। ये इक्वेशन टू है और यही गॉस का लॉ है, यही गॉस का नियम है। किसी बंद पृष्ठ, ये गोली पृष्ठ बंद है, नेट चार्ज कितना है इसके अंदर क्यू, और इस बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स को अगर हम गणना करना है, हम निकालना चाहते हैं, इफ बी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल सरफेस देन बी विल कंसीडर नेट चार्ज इनसाइड क्यू एंड इट्स रेशियो विद एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। इस गोली पृष्ठ के अंदर नेट चार्ज क्यू है, एक ही चार्ज है तो वही नेट चार्ज माना जाएगा और उसको हमने एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दिया तो हम टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गॉस की थ्योरम का, गॉस के लॉ का छोटा सा प्रूफ है और इस गॉस के लॉ को प्रूफ करते समय, सिद्ध करते समय हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिया है ये कूलाम के लॉ से उठाया है। कूलाम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलाम्स के विक्रम वर्ग के नियम से उठाया है। तो एक नियम को जस्टिफाई करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमने दूसरे नियम का उपयोग किया है, इसलिए इसको कभी कभी गॉस थ्योरम भी कहा जाता है, गॉस का प्रमेय भी कहा जाता है। यह था गॉस प्रमेय क्या होती है, गॉस लॉ क्या होता है और उसका प्रूफ, उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। स्फेरिकल सरफेस को मान के ये बहुत सिंपल वे में प्रूफ हो जाता है, उल्टा भी किया जा सकता है। हम गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को भी उत्पन्न कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डेराइव कूलाम्स लॉ अप्लाइंग गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। ये भी आपको छोटा सा क्वेश्चन एक बनता है और एमपी बोर्ड में तो कई बार पूछा जा चुका है। तो अब हम पढ़ते हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये मैंने लिया सोर्स चार्ज Q1, जानबूझकर मैं इसको Q1 ले रहा हूं। इससे डिस्टेंस कैपिटल R पर कोई बिंदु है P और मैं इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहता हूं। Q1 स्रोत आवेश से कैपिटल R दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहता हूं और इस पर गॉस के नियम का उपयोग करना चाहता हूं। गॉस का नियम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एक बंद पृष्ठ हो, क्लोज्ड सरफेस हो। सरफेस चुनते हुए, पृष्ठ को चुनते हुए कुछ चीजों को हम ध्यान रखेंगे कि जो पृष्ठ हम चुन रहे हैं वो पृष्ठ, वो सरफेस उस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना चाहते हैं। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि वो पृष्ठ सिमेट्रिकल हो, द सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। और सममित क्या होती है, सिमेट्रिकल क्या होती है, इसके बारे में इसी वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है, मैं आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं, आर त्रिज्या का एक गोला खींचता हूं और ये जो गोलीय पृष्ठ है ये बंद भी हो गया और सिमेट्रिकल भी हो गया और पॉइंट पी से होकर गुजर भी गया, निकल गया, तो मेरे तीनों उद्देश्य पूरे हो गए। इस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है, इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ क्या है, थोड़ी सी चीज इसके बारे में जान लें। एक ऐसा बंद पृष्ठ, द सरफेस हूज क्लोज्ड इंटीग्रल कैन बी फाइंड आउट, ऐसा पृष्ठ जिसका बंद समाकलन निकाला जा सकता हो, क्योंकि हम बहुत सारे छोटे छोटे अवयव क्षेत्र सदिश चुनेंगे और उनको जोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन से, समाकलन से। तो
तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसका हम बंद समाकलन निकाल सकते हो, जिसका क्लोज इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा सरफेस गॉसियन प्रश्न होता है। गॉसियन प्रश्न सिमेट्रिकल होता है, मतलब उसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक जैसी होती है। इस सरफेस पर हम कोई भी पॉइंट चुन लें, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहां आर है तो सब जगह क्या होगी आर, मतलब ई की वैल्यू इस प्रश्न पर कैसी होना है, सेम होना है। ई और डीएस के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर के बीच का जो कोण है वो बदलना नहीं चाहिए। और हमें पता है गोली प्रश्न के लिए उनके बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री होता है, बदलता नहीं। तो गॉसियन प्रश्न ऐसा प्रश्न जो बंद हो, ये बंद है, ऐसा प्रश्न जिसका बंद समाकलन ज्ञात किया जा सकता हो, क्लोज इंटीग्रल कैलकुलेट किया जा सकता हो, इसका किया जा सकता है। प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू सेम हो, यहां सेम है, प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कांस्टेंट हो, यहां वो भी कांस्टेंट है, तो ये कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन प्रश्न के बारे में एक और चीज ध्यान रख लेंगे, ये भी गॉसियन सरफेस है। ये 6 ओपन सरफेस से मिलकर बनी है और प्रत्येक ओपन सरफेस के लिए, प्रत्येक खुले प्रश्न के लिए ई की वैल्यू अगर समान है प्रत्येक पॉइंट पर, ई और डीएस के बीच का एंगल अगर नहीं बदल रहा है, जैसे इसके अंदर क्यू चार्ज रखते तो ऐसे ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ऐसे ही रहेगा एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच का कोण कितना रहेगा, हमेशा 0 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और एरिया वेक्टर भी ऐसे आ रहा है तो दोनों के बीच का कोण कैसा रहेगा, 0 डिग्री। तो ऐसी ओपन प्रश्न जिनके जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब जिनके लिए ई की वैल्यू प्रत्येक पॉइंट पर समान है और ई और एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का कोण भी स्थिर रहता है, ऐसे बहुत सारे ओपन प्रश्नों से भी हम गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। जैसे इस क्यूब की सरफेस गॉसियन सरफेस है, क्योंकि ये बंद प्रश्न जिन 6 खुले प्रश्नों से, जिन 6 ओपन फेसेस से मिलकर बना है, वो प्रत्येक खुला प्रश्न, प्रत्येक ओपन फेस सिमेट्रिकल था, सममित था, तो ये भी गॉसियन प्रश्न में अलाउ किया जाता है। कूलम्स का लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, तो गॉस का जो प्रमेय है, गॉस का जो थ्योरम है, वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन करती है। गॉस लॉ ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। आकृति कुछ भी हो सकती है, आकार कुछ भी हो सकता है, चार्ज कहीं भी हो सकता है, बंद प्रश्न हो उसके लिए गॉस का लॉ लागू होता है। तो ये कंडीशन गॉस के लॉ के लिए है। गॉसियन सरफेस क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। अब हम वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। हम पढ़ रहे थे गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम की उत्पत्ति, एक सोर्स चार्ज स्रोतावेश Q1 लिया गया, इस स्रोतावेश Q1 से कैपिटल R दूरी पर एक पॉइंट P है, फिर हमने उससे पास होती हुई गॉसियन प्रश्न, गॉसियन सरफेस चुनी। अब हमने P पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया ds सेलेक्ट किया, इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर, ये ds एरिया वेक्टर है, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है, जैसे एक गोली प्रश्न के लिए हम जानते हैं। तो इस छोटे से सरफेस के लिए हम फ्लक्स चुनेंगे, छोटे से सरफेस के लिए फ्लक्स है d phi e इक्वल टू e, क्योंकि इस छोटे से प्रश्न के लिए मान सकता हूं e की वैल्यू सेम है और यहां तो e की वैल्यू सभी जगह सेम है ही, तो e इंटू ds और cos थीटा को ही 0 डिग्री है, तो d phi e इक्वल टू EDS, E की वैल्यू सभी जगह सेम है, तो अगर मैं इंटीग्रल कर लूं इसका, इसका मैं समाकलन कर लूं, तो मेरे पास आएगा phi E इक्वल टू, अगर ये क्लोज इंटीग्रल है, पूरा सरफेस बंद प्रश्न है, तो ऐसा साइन भी हमें बनाना चाहिए, ऐसे साइन को भी हमें बनाना पड़ेगा। पहले अगर नहीं बनाया है तो आप इसको बना लें, d phi क्लोज इंटीग्रल, phi इक्वल टू
ई क्लोज इंटीग्रल डीएस और सारे ऐसे बंद प्रश्न जो मैंने अनंत इन्फाइनाइट चुने हैं इनको मैं जोड़ दूंगा तो गोली प्रश्न का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो डीएस की जगह मैं लिखूंगा फाइव ई इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन बन। अब ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ये फाइव फ्लक्स है, तो जब हम फॉर्मूला से गणना करने जाते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू ये निकलती है। अब गॉस का लॉ क्या कहता है, गॉस के नियम से गॉस का लॉ कहता है कि आप फ्लक्स निकालने के लिए ज्यादा इधर उधर मत जाएं। इस बंद प्रश्न के अंदर देखिए कितना चार्ज है, क्यू वन है, अगर एयर और वैक्यूम है तो कितने का भाग बनाए, एप्सिलॉन नॉट का, एयर वैक्यूम वायु निर्वात की विद्युतशीलता है और आपको फ्लक्स मिल जाए फाइव। इसको मैं इक्वेशन टू, इक्वेशन टू आया है गॉस के नियम से और इक्वेशन वन आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का मल्टीप्लाई करके उनके उनके डॉट प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरीका विद्युत फ्लक्स निकालने का ये, दूसरा तरीका विद्युत फ्लक्स निकालने का ये, और दोनों को हम कर देंगे इक्वेट, इक्वेशन एक और दो को कंपेयर करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू। अगर ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं, तो राइट हैंड साइड भी एक जैसे होंगे, तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा वन अपॉन ये फोर पाई को मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ ले जाता हूं, ई को यही छोड़ देता हूं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को और आर स्क्वायर को नीचे ले जाता हूं, इंटू क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया और इसको मैं इक्वेशन दूंगा तीन। इस पी पॉइंट पर मान लीजिए मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू टू प्लेस कर दिया, क्यू वन एक स्रोत आवेश है और क्यू टू जो पॉइंट पी पर मैंने रखा हुआ है ये टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। तो हम जानते हैं अगर हम बल निकालना चाहेंगे, फोर्स निकालना चाहेंगे, तो फोर्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू होता है ये कूलाम का फोर्स है क्यू टू इंटू ई, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इस फॉर्मूले में उस वहां भी मैं बताया था, इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज लिया जाता है जो एफ बराबर क्यू इंटू ई कूलाम फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज होता है, उस चार्ज को टेस्ट चार्ज लिया जाता है और इस वाले फॉर्मूला में सोर्स चार्ज लिया जाता है जो क्यू वन है, फिर आप द्वारा से मेमोराइज कर लें इसको, तो एफ इक्वल टू होता है क्यू टू इंटू ई कूलाम, यहां लिखेंगे हम बल, कूलाम बल, कूलाम फोर्स, एफ इक्वल टू क्यू टू इंटू ई, ई की वैल्यू रखेंगे, ई का मान रखने पर, ई का मान हम किससे रखेंगे, इक्वेशन थ्री से, इक्वेशन थ्री से, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, तो एफ जो कूलाम का फोर्स है वो आएगा ई का मान यहां रखेंगे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर और क्यू टू का मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन फोर देंगे और इक्वेशन फोर ही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है, इट इज कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ जो आपने पढ़ा है। अब सोर्स चार्ज आप क्यू मानते, टेस्ट चार्ज क्यू जीरो मानते, तो यहाँ क्यू इंटू क्यू जीरो भी आ सकता था, मैंने सोर्स चार्ज स्रोत आवेश क्यू वन माना है, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश क्यू टू माना है, तो ये क्यू वन इंटू क्यू टू आया, ये इक्वेशन फोर है, ये कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुकूल है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी हम कर सकते हैं और जब हमने गॉस के नियम को प्रूफ किया था तब कूलाम के नियम का यूज किया था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशंस हम एक साथ कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।